रामनगरिया फरकाबाद पांचाल घाट पर नहाने के लिए गए जयवीर पाल, जो जहां पर हादसा होता है जिसमें उनका एक पैर आधा पैर चला जाता है और लगभग लगभग छः महीने होने को आए हैं और अभी तक उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। हम जानते हैं घटना कैसे रही और क्या रही। हमारे साथ जयवीर मौजूद है। जयवीर पाल पहली बात तो कहाँ के रहने वाले हैं? किनावर। किनावर कहाँ पड़ता है? जिला पटना। जिला में किनावर। अच्छा अच्छा, कब की घटना है ये? बात क्या करने वहाँ गए? वहाँ गंगा जी जाने गए थे सर्किट से, वहाँ पर आग लग गई थी। झोपड़ियाँ पड़ी थी वहाँ पर झोपड़ियों में आग लग गई, चिंगारी की आग लग गई, वहाँ पर सिलेंडर पड़ने लगे और वहाँ से वहीं में गंगा जी आगे आ गए, वहाँ निकल नहीं पाए तो सिलेंडर बड़े बड़े फटे मेरे पैर में लगे। वहाँ से अस्पताल में गए, बढ़िया अस्पताल में, वहाँ से मना कर दिया। वहाँ से बढ़िया अस्पताल फरकाबाद बढ़िया अस्पताल में गए। अच्छा, वहाँ कितने लोग घायल हुए? वहाँ सर बहुत सारे लोग घायल हुए। तो तब से आपका अब उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद आगरा गए थे। आगरा के बाद वहाँ पर जाकर कटिया से दिल्ली जा कर रखे। वहाँ पर दिल्ली कहाँ से जाते? दिल्ली समझते हैं सब। अच्छा, तो अभी तक कोई सरकार से मदद? अभी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। तब सुविधा को 3.5 लाख रुपये खर्च हो गए और ना सरकार की तरफ से और ना तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कोई सुनवाई नहीं? हाँ। देखिए, इनका जो एक पैर है और आधा जा चुका है, जिस तरीके से आप देख घुटने का ऊपर का हिस्सा जो कैमरा पर्सन से कहीं दिखाए वो जा चुका है और पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसे में इनका आधे से ज़्यादा पैर खत्म हो गया था। उसके बाद इलाज चला और इलाज चलने के बाद आगरा रेफर किया गया। आगरा के बाद ये दिल्ली गए सफदरगंज में और इन्होंने जो है निजी अपने रुपए से इलाज कराया। अभी तक इनको सरकार द्वारा कोई भी मुहैया नहीं कराई गई है। क्या ये मुख्यमंत्री जी से क्या मांग रहे हैं? सर, जितना हुआ खर्च हुआ उतना तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितना खर्च हुआ है 3.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं और इतनी सुनवाई कार्रवाई कर रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? प्रीति। बच्ची है छोटी? देखिए, एक छोटी बच्ची भी है, किस तरीके से परवरिश होगी इसकी और इनसे जानते हैं। प्रीति, कैसे कहाँ थी आप जब ये हादसा हुआ? खर्चा हो गया है कितना? हो गया है 3 लाख से ऊपर खर्चा हो गया है। बताइए, 3 लाख से ऊपर इनका कर्जा हो गया है और इन्होंने इलाज कराया जिस तरीके से जैसे तैसे। पैर इनका जो चोट आई थी, सबसे पहले कहाँ पर चोट आई थी? सबसे पहले नीचे चोट आई थी, वहाँ पे ऑपरेशन होते रहे। हाँ, सबसे नीचे 4 ऑपरेशन हुए सर। अच्छा, ऑपरेशन होते हुए उसके बाद घुटने के ऊपर होगा, घुटने के ऊपर ऑपरेशन होने का पैर भी काटना पड़ा। हाँ सर, पैर मैंने काटा था, 4 बार पैर काटा था। 4 बार क्या सही नहीं हो रहा? पैर इंफेक्शन फैल गया था उसमें, तो पैर ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए 4 बार पैर काटा। 4 बार काटने के बाद फिर वहाँ ऑपरेशन करके निकाल दिया। अच्छा, तो घायलों में आपका भी नाम होगा ना? हाँ सर, जो होती है। हाँ सर, जब हादसा हुआ है इतना बड़ा तो घायलों में आपका भी नाम होगा? हाँ था सर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई थी? नहीं, वहाँ जो फरकाबाद में आप प्रशासन से मिले क्या? हाँ मिले थे सर। क्या कहा उन्होंने? जो एफिडेविट दिया था कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। बहुत बार एफिडेविट मिले फरकाबाद फतेहगढ़ के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS में भी शिकायत की है? हाँ जी सर, इसमें भी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सुनवाई हुई है।
कोई भी क्लेम वगैरह कुछ नहीं मिला? कोई हादसा जो हुआ है कैसे हुआ? वो फरीदाबाद में चिंगारी गिरी थी, झोपड़ियाँ बनी थी वहाँ पर, झोपड़ियों के नीचे आग चिंगारी गिरी, झोपड़ियों में आग लगी थी, उसमें खाना बनाने के लिए सिलेंडर रखे थे, सिलेंडर छोटे वाले सिलेंडर उसमें फटने लगे, वहीं बीच में आकर मैं तो निकलने वाले थे, गंगा जी नहा कर आ रहे थे तो उसमें सिलेंडर फट रहे तो मेरे पैर में फट गया। कहाँ पे थे? हम गंगा जी पर नहाने गए थे, गंगा जी नहा कर आ रहे थे। नहा रहे थे? हाँ। नहा के वापस आ रहे थे? नहा के वापस आ रहे थे, तब तक आग लग गई, उसमें सिलेंडर फटने लगे, झोपड़ियाँ जल गई होंगी, झोपड़ियाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ जल गई, बहुत सारे घायल हुए थे। हाँ देखिए ये जो हादसा हुआ हृदय विदारक का, जिस तरीके से जयवीर पाल का कहना है अभी तक कोई भी मदद नहीं करी है, ना सरकार द्वारा करी गई है, ना जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद, एक भी रुपए की मदद नहीं हुई, एक भी रुपए की मदद नहीं, कर्जा हो गया सर, कहाँ से देना है? नहीं तो जिला प्रशासन ने तो करी होगी कुछ नहीं सर, सुनवाई जिला ना जिला प्रशासन ने की, ना जिला अधिकारी ने कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। फरवरी की घटना है? हाँ 22 फरवरी की घटना है। तो क्या 22 फरवरी क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? मांग क्या करेंगे, यही मांग करेंगे जो जितना है उतना मेरा बन जाए, देखिए ये गरीब व्यक्ति है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, किसान लोग करते हैं, घर में खेती में रोजगार है। खेती बाड़ी है? नहीं रोजगार है। बेरोजगार? बेरोजगार। तो विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह? विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह बन गया है? बन गया। अच्छा कहाँ है विकलांग सर्टिफिकेट? ये इसमें होगा जी सर, ये है ये तो पाठशाला। देखिए विकलांग सर्टिफिकेट तो बन गया है पर जो कहा जाए पेंशन वगैरह के लिए? पेंशन भी अभी नहीं बनी। अभी नहीं? अभी नहीं। अप्लाई करा है? अप्लाई किया था, अभी हुआ नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। देखिए इनकी जल्द से जल्द पेंशन बननी चाहिए, और जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उस हादसे में इनकी पूरी मदद होनी चाहिए, जो क्लेम मिलता है क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग विद्युत विभाग की लापरवाही से जो हादसा हुआ है, हादसे में कई लोगों की जान निश्चित तौर पर गई है, और जिसमें इनके जो जयवीर पाल की हैं इनका पैर चला गया, आधे से ज़्यादा पैर चला गया है, बस थोड़ा ही रह गया है, जिससे आप पट्टी देख रहे हैं अभी भी राह चल रहा है, इलाज चल रहा है। हाँ इलाज चल रहा है, चल रहा है, इलाज चल रहा है। कहाँ का? यहाँ वो वहाँ से चल रहा है, आगरा से दवाई आती है, आगरा हाँ आगरा से मना कर दिया, और फिर अब डॉक्टर को किया करो तो इंजेक्शन लगते हैं और पट्टी होती है। अब तक चले रहेगा? ये चलेगा बताया, अभी 2 महीने तक बहरहाल इनकी मदद होनी चाहिए, सरकार और प्रशासन से हम चाहेंगे इनकी मदद हो, चैनल के माध्यम से हमारी बात इनकी मदद के लिए सरकार जो जिस तरीके से माननीय योगी जी से गुजारिश है और इनकी मदद करें, और फरकाबाद के प्रशासन से भी गुजारिश है इनकी मदद करें। राजवीर पाल जो गरीब जयवीर जो गरीब व्यक्ति हैं और बेरोजगार भी हैं, क्योंकि अब पैर इनका नहीं रहा, अब ये किस तरीके से अपने परिवार का जीवन यापन भरण पोषण कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है कि ये पत्नी खड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्ची है बेटी है, कैसे आपका अभी भरण पोषण चल रहा है? कर्जा से सब चल कर्जा ले रहे हैं, देखिए कर्जे से चल रहा है, तो हम चाहेंगे सरकार इनकी मदद करें। मैनपुरी से साइमुल हसन की रिपोर्ट।